दीपिका के साथ चल रहे ब्रेकअप गेम पर रणवीर का एक्सक्लूसिव रिएक्शन। यूलिया के बाद अब सलमान की फैमिली में हुई एक और रोमेनियन ब्यूटी की एंट्री। जॉन और उनकी वाइफ प्रिया के बीच है ऑल इज वेल। हेलो, हॉल ऑफ फेम अवार्ड नाइट की एक्सक्लूसिव कवरेज और प्लैनेट बॉलीवुड देखो और जीतो कॉन्टेस्ट में क्या है अनुष्का का तीसरा सवाल। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड्स बिगेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड। दीपिका रणवीर के ब्रेकअप गेम का कल हमने किया था पर्दाफाश और आज हम आपके लिए एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड लाए हैं रणवीर सिंह का इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी पर रिएक्शन। ये पिक्चर है सबूत के रणवीर दीपिका का नहीं हुआ है ब्रेकअप, लेकिन लगता है रणवीर अभी भी इस ब्रेकअप गेम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तभी तो कल रात हमने रणवीर को एक बार फिर से किया स्पॉट। रणवीर यहाँ अपने किसी काम से पहुँचे थे और सरप्राइजिंगली रणवीर खुद सामने से हमसे बात करने आए। यस मैडम, यस मैडम, यस मैडम। हमें लगा शायद दीपिका और उनकी वायरल हुई पिक्चर पर रणवीर कुछ कहना चाहते हैं, तभी तो वो खुद सामने से हमसे बात करने आए। हमारे एक जनरल सवाल का रणवीर ने दिया अच्छी तरह से जवाब। हम लोग नए जैक एंड जोन्स वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फाइनल रिकॉर्डिंग। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। द न्यू बॉयज हैव रिकॉर्डेड देयर बिट, नाउ इट्स माय टर्न। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड विद द वे इट्स शेपिंग अप। कल सुबह हमारी शूट है एंड आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप इट गोज वेल एंड पीपल लाइक इट। रणवीर, दीपिका की बात। लेकिन जैसे ही हमने दीपिका और रणवीर की वायरल पिक्चर पर उनसे किया सवाल, रणवीर के चेहरे का बदल गया रंग। और वो कैमरा के सामने से हो गए 9-2-11। एक्सक्लूसिवली फर्स्ट ऑन प्लैनेट बॉलीवुड देखिए कैसे अभी भी रणवीर दीपिका और अपने रिलेशनशिप में ऑल इज वेल होने की बात को नहीं कर रहे एक्सेप्ट। वैसे हम आपको बता दें, रणवीर और दीपिका के बीच हमेशा से ही ऑल इज वेल रहा है। सिर्फ अपने डायरेक्टर साहब संजय लीला भंसाली के कहने की वजह से ये दोनों खेल रहे थे ये ब्रेकअप का गेम। चलिए रणवीर, देखते हैं आप कब तक अपने रिलेशनशिप को छिपा कर रखते हैं। आपका फोटो वायरल हो गया रणवीर, क्या कहेंगे? ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2017 की शाम रही एक स्टार स्टडेड अफेयर। इस ग्रैंड अवार्ड नाइट को बिग बी से लेकर कैटरीना कैफ जैसे स्टार्स ने किया अटेंड और हम आपके लिए लेकर आए हैं हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2017 की एक्सक्लूसिव कवरेज। हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड नाइट रही काफी हैपनिंग। इस इवेंट को बॉलीवुड के सभी बिग सेलिब्रिटीज ने किया ग्रेस। आलिया रेड कार्पेट पर फेरी स्टाइल लुक में पहुंची तो अनुष्का भी अपने अटायर में बेहद खूबसूरत लग रही थी। कैटरीना, ऋतिक, करण ने भी इवनिंग को अपनी प्रेजेंस से काफी बड़ा बना दिया। वैसे इस इवेंट पर बिग बी भी आए जो यहाँ से पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड ले जाते हुए दिखे। इस अवार्ड नाइट पर हमने बॉलीवुड के मोस्ट लवली कपल यानी शाहिद और मीरा राजपूत को भी स्पॉट किया। यूं तो शाहिद मीरा स्टाइलिश कपल अवार्ड के साथ यहां से निकले, लेकिन रेड कार्पेट पर भी इनकी खट्टी मीठी नोकझोंक देखने वाली थी। We just don't agree on anything ever. No, the
one thing that we actually don't agree on is food. We have very different likings. Yeah, the first year or so when we got married, she'd be like, you know, Shahid, I think this is really good. You should try it. And I'd be like, bleh. And then I'd be like, babe, I think this is really, really nice. Meera, try it. And she'd be like, what? So then we kind of figured over a year that our palates are absolutely so different. So now if he likes it, I know I have to stay well away from it. Yeah, so when she doesn't like something, I'm like, can you pass it here? वैसे वरुण जो कि अपनी टक्सीडो सूट में अमेजिंग लग रहे थे, उनकी बाथरोब में आने की विश थी। दरअसल वरुण भी रणवीर की तरह कुछ अतरंगी पहनकर रेड कार्पेट पर अपीयर होना चाहते थे, और इसीलिए जब उनसे उनकी क्रेजीएस्ट विश पूछी गई, तो उन्होंने ये जवाब दिया। I was actually going to come in a bathrobe today with a bow and tie, but then I was reprimanded by my people. So I think Ranveer has worn pajamas. So I said I'll go one up, but I didn't do it. Well, ये award night रही full of enjoyment और मस्ती भरी. Stars ने कई सारे fun questions का answer दिया. When was the last time someone very cheesily said hello to you, and how did you react to that? Hello. No, actually. No one can dare. What did you do when someone very creepily came and said hello to you, and how did you ward it off? Usually I kind of just. Say hello back and make sure I make a swift exit before it gets creepier. Karan ne apne twins ke ghar aane ki excitement share ki. Very cool. Okay. But are you missing them? Well, I always miss them when they're not around me now. So, but they're going to be home soon, and I'm very excited. My mom and I are both very excited. तो वही ग्लैमर आइकॉन अवार्ड लेकर बाहर आई कैटरीना के चेहरे पर ये अवार्ड पाने की खुशी भी साफ नजर आए. All in all, stars से glitter करके ये night रही बेहद धमाकेदार. फरुद्रानी चटराज, Zoom, Mumbai. सलमान खान की फैमिली में हो गई है एक और रोमेनियन गर्ल की एंट्री. सलमान की तरह अरबाज भी कर रहे हैं एक रोमेनियन गर्ल को डेट. क्या अरबाज की ये स्पेशल फ्रेंड है यूलिया की दोस्त? खान फैमिली में हुई एक और रोमेनियन गर्ल की एंट्री. सलमान के बाद अरबाज का भी आया रोमेनियन ब्यूटी पर दिल. मलाइका से सेपरेशन के बाद अरबाज करने लगे हैं एक रोमेनियन लड़की को डेट. अरबाज खान ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो मलाइका से अलग होकर मूव ऑन कर चुके हैं और अलेक्जेंड्रिया नाम की एक रोमेनियन गर्ल को डेट कर रहे हैं. हालांकि फिलहाल अरबाज अभी अपने रिलेशनशिप को किसी मंजिल तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं. अरबाज सेड, अलेक्जेंड्रिया, दैट्स माय फ्रेंड, आई एम डेटिंग, यस, बट वी आर नॉट एज ऑफ नाउ, देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. मलाइका से अलग होने के बाद अरबाज का नाम कई लड़कियों के साथ जुड़ा, पर ये पहली बार है जब उन्होंने अपनी डेटिंग की न्यूज को पब्लिकली एक्सेप्ट किया है. अलेक्जेंड्रिया के बारे में अरबाज ने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन उनके साथ अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करके इतना क्लियर कर दिया कि मलाइका के साथ उन्हें बार बार देखा जाना और मलाइका की फैमिली के साथ उन्हें कैप्चर करना सिर्फ एक दूसरे के साथ कॉर्डियल होने से ज्यादा और कुछ नहीं है. मतलब साफ है, अब सलमान की गैलेक्सी में एक नहीं बल्कि दो दो रोमेनियन गर्ल्स नजर आ सकती हैं। आफ्टर ऑल अब खान ब्रदर्स का दिल जो रोमेनियन ब्यूटीज पर आ गया है. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai. ऋतिक रोशन की एब्सेंस ने किया उनकी एक्स वाइफ सुजैन को अपसेट. एक इवेंट पर सुजैन के साथ आने का प्रॉमिस करने के बाद भी नहीं पहुंचे ऋतिक. क्या फिर से शुरू हो गई है ऋतिक सुजैन के बीच प्रॉब्लम? सुजैन रोशन रिसेंटली नजर आई एक पार्टी में. इस पार्टी की गेस्ट लिस्ट में ऋतिक रोशन का नाम भी था शामिल, लेकिन ऋतिक यहाँ नहीं आए. सुजैन करती रही ऋतिक का इंतजार. पार्टी खत्म हो गई, लेकिन सुजैन का इंतजार नहीं हुआ खत्म. सुजैन का हर एक करीबी इस पार्टी में मौजूद था, और अब जबकि ऋतिक के साथ उनकी रिलेशनशिप में सुधार आया है, गेस्ट लिस्ट में उन्होंने ऋतिक का नाम भी डलवाया था, पर ऋतिक यहाँ नहीं आए. और सोर्सेस की माने तो ये बात सुजैन को काफी हर्ट कर गई है.
सुजैन ऋतिक रोशन से है काफी नाराज और नाराजगी की बड़ी वजह यह है कि मुंबई में मौजूद रहने के बावजूद सुजैन की इस पार्टी में ऋतिक नहीं पहुंचे। वैसे सुजैन की नाराजगी सही है, लेकिन सोर्सेस का ये भी कहना है कि ऋतिक बहुत ज्यादा टायर्ड होने की वजह से इस इवेंट का हिस्सा नहीं बने। दरअसल ऋतिक अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे और वो जिस दिन इंडिया लौटे उसी दिन सुजैन की ये पार्टी होने वाली थी। कहा जा रहा है ऋतिक पहले तो इस पार्टी में जाना चाहते थे, लेकिन उसी दिन लंबी फ्लाइट लेकर लौटे ऋतिक काफी टायर्ड हो गए और उन्होंने इस पार्टी को कर दिया स्किप। अब ऋतिक का इस पार्टी में ना आने का रीजन भी वैलिड ही लगता है, लेकिन शायद वो ये मैसेज सुजैन को कन्वे नहीं करवा पाए, तभी तो सुजैन ऋतिक से हो गई नाराज। वेल चलिए, ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग मालूम पड़ती है एंड वी होप सुजैन को मनाने में ऋतिक हो जाए कामयाब। फॉर संदेश अगाथे, जूम मुंबई। जॉन और प्रिया हमेशा साथ क्लिक होना करते हैं अवॉइड, और एक बार फिर फोटोग्राफर्स के साथ बॉलीवुड के इस कपल ने खेला हाइड एंड सीक। आखिर क्यों अपनी वाइफ प्रिया के साथ क्लिक होना जॉन को नहीं है पसंद? जॉन और प्रिया के बीच है ऑल इज वेल। अपनी लाइफ में खुश हैं जॉन और प्रिया। कई बार मीडिया में प्रिया और जॉन के बीच प्रॉब्लम्स की न्यूज आ चुकी है। कई रिपोर्ट्स में इनके बीच आ चुकी दूरियों के बारे में भी बताया गया, लेकिन प्रिया अपने हबीब जॉन के साथ काफी खुश हैं और दोनों आजकल एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जॉन और प्रिया कल एक रोमांटिक डिनर पर गए और जैसे ही फोटोग्राफर्स को उनके होने का पता चला वो भी इन्हें क्लिक करने पहुँच गए। आफ्टर ऑल जॉन और प्रिया साथ में बहुत रेयर ही दिखाई देते हैं, लेकिन शायद बॉलीवुड का ये कपल अब भी साथ में कैप्चर होने के लिए तैयार नहीं था। तभी तो जैसे ही इन्हें फोटोग्राफर्स की प्रेजेंस का पता चला दोनों ही वहाँ से चले गए और कैमरास में कैप्चर होने से बच गए। चलिए ये तो गुड न्यूज है कि ये कपल साथ है और इनके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है कि आखिर जॉन और प्रिया साथ में कैप्चर होना इतना क्यों अवॉइड करते हैं। ज्योति सिंह, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सलमान की फिल्म ने रिलीज से पहले कैसे कमा लिए हैं 20 करोड़ रुपए। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट ने रिलीज से पहले ही कमा लिए हैं 20 करोड़ रुपए। सिर्फ सलमान खान के नाम पर कैसे 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया एक कंपनी ने, चलिए आपको बताते हैं। सलमान की ट्यूबलाइट ने किया 20 करोड़ का बिजनेस। सलमान खान की फिल्म ने रिलीज से पहले ही कमाए 20 करोड़। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट जो कि 1962 में हुई इंडो चाइना वॉर के बैकड्रॉप पर बेस्ड है, उस फिल्म के म्यूजिक राइट्स को एक म्यूजिक कंपनी ने 20 करोड़ में खरीद लिया है। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये 20 करोड़ रुपए सिर्फ 3 सॉन्ग्स के लिए दिए गए हैं। एक्चुअली सलमान की मच अवेटेड फिल्म ट्यूबलाइट में केवल 3 सॉन्ग्स हैं, जो कि फिल्म की स्टोरी को नरेट करने के लिए रखे गए हैं। ऐसे में सिर्फ 3 गानों के राइट्स का 20 करोड़ में बिकना फिल्म को प्री रिलीज प्रॉफिट दे गया है। वैसे सलमान की फिल्म के सॉन्ग ज्यादातर हिट ही रहते हैं, यही वजह है कि म्यूजिक कंपनी को 3 सॉन्ग्स के लिए 20 करोड़ रुपीस खर्च करना घाटे का सौदा नहीं लगा। पहले शाहरुख के कैमियो की न्यूज और अब 20 करोड़ का प्रॉफिट यकीनन सलमान की ट्यूबलाइट को और ब्राइट कर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। इट्स विनिंग टाइम, फ्लॉन्ट योर बॉलीवुड ज्ञान और देखो बॉलीवुड की एक्सक्लूसिव खबरें 2-in-1। वॉच प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज ऑन जूम मंडे टू फ्राइडे 7 PM और जवाब दो सिंपल क्वेश्चंस का और जीतो एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज साइन बाय मी। Keep watching Zoom and keep winning. Zoom, turn on.
प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, सो स्टे विद अस। कपिल शर्मा का दिखावा हुआ खत्म। क्या सुनील ग्रोवर से फाइट के बाद सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए कपिल शर्मा अपसेट होने की कर रहे हैं नौटंकी? वेल, जिस तरह कपिल शर्मा आजकल पार्टी कर रहे हैं उसके बाद तो यही लगता है। क्या सुनील ग्रोवर के साथ हुई फाइट का नहीं है कपिल को कोई पछतावा? क्या कपिल की आंखों में आए आंसू नकली थे? रिपोर्टेडली अपने और सुनील के बीच हुए झगड़े के बाद कपिल शो को लेकर बेहद परेशान हो गए थे। सेट से खबरें आ रही थी कि कपिल अपने शो का एक एपिसोड शूट करते वक्त मनोज बाजपेयी के सामने इमोशनल हो गए हैं। यही नहीं, कपिल ने सोशल प्लेटफॉर्म पर सुनील से माफी तक मांग ली थी ताकि सबको लगे कि कपिल शर्मा वाकई अपने बिहेवियर के लिए सॉरी हैं। लेकिन लगता है ये सब सिर्फ एक दिखावा था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, कपिल अपनी फिल्म फिरंगी की टीम के साथ जमकर पार्टी कर रहे हैं। सोर्सेस का कहना है कि बीकानेर में फिल्म के लिए शूट कर रहे कपिल शूट खत्म करते ही निकल जाते हैं पार्टी करने, और ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, कपिल ने तो इसे अपनी आदत बना ली है। कपिल रोज रैप अप करने के बाद मोनिका गिल और राजीव ढींगरा के साथ करते हैं फुल ऑन पार्टी। कपिल को तो ये भी कहते सुना गया है कि सुनील और गैंग उनके शो पर वापस जरूर आएंगे बिकॉज दे नीड द मनी। यानी साफ है, कपिल ने पहले जो भी किया वो सिर्फ चैनल के प्रेशर में आकर किया, और इसीलिए किया ताकि ऑडियंस की सिंपथी पा सके। असल में तो कपिल को ना तो शो के बंद होने का डर है और ना ही किसी और बात का डर। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। शाहिद का बड़ा कन्फेशन, वाइफ मीरा के साथ होती है उनकी खूब बहस, और वरुण कैसे देने वाले हैं रणवीर के अतरंगी फैशन स्टाइल को टक्कर। ऑल दिस एंड मोर कमिंग अप इन आवर नेक्स्ट शो 30 में 30। दिस इज इट फॉर नाउ, वी विल बी बैक टुमारो विद मोर बॉलीवुड जूस एंड स्कूप्स। अंटिल देन, कीप वॉचिंग जूम, टर्न ऑन।